हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे मटेरियल यूआई की, और हमने बात कर ली की थी कि किस तरीके से हम मटेरियल यूआई को इंस्टॉल करते हैं। साथ ही साथ उसके हमने बात की थी थीम की, कि थीम जो होती है डिफॉल्ट थीम, वो किस तरीके से हमें दिखती है। नाउ अब बात कर लेते हैं हम कि इंस्टॉलेशन के बाद हम हमारी थीम को किस तरीके से गेट करते हैं और उसमें चेंजेस कैसे कर सकते हैं। उससे पहले चलते हैं हमारे डिज़ाइन व्यू पे। तो देखो हमने क्या किया है, स्टार्ट कर दिया है हमारा हेडर और देन फिर फुटर करेंगे तो हम उसकी बात करेंगे। लेकिन ये जो हमने हेडर सेट किया और इसमें कलर ऐड किया है और साथ ही साथ जो हमने ग्रिड बनाया है, ये किस तरीके से बनाए हैं उसकी बात कर लेते हैं एक बार। हम सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे थीम कॉन्फ़िगरेशन की, देन उसके बाद बात करेंगे हमारे हेडर्स की जब वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं हमारी थीम की सेटिंग की। तो उसके लिए चलते हैं हम हमारे कोड एडिटर में। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, जब हमारा प्रोजेक्ट हम ऐड कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से npm स्टार्ट करके हम स्टार्ट कर लेंगे हमारे प्रोजेक्ट को। देन क्या होगा कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब हम app.js को रोबोटो फॉन्ट को हमने यहाँ पे लगा दिया है तो हम हमारे routes को सेट करते हैं सबसे पहले, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और routes किस तरीके सेट होता है वो सेट कर लिया हमने, हमारी जो app.js थी जिसके अंदर स्क्रीन ले लिया। स्क्रीन के अंदर आने के बाद हमने हमारे जो डिफॉल्ट रूट लेआउट था उसको बनाया, और जो डिफॉल्ट जो हमारे हमको पेजेस चाहिए उनको सेट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारा रूट लेआउट सेट किया कैसे, routes, route, route के अंदर हमने रूट लेआउट सेट किया जिसमें हमारा हेडर आया गया और साथ ही हमारा आउटलेट आएगा। चलते हैं एक बार फाइल के ऊपर, ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर हमारा हेडर है और आउटलेट है, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। आउटलेट हमारा क्या होता है कि हमारा जो बचा हुआ डेटा होता है जो हम यूज करते हैं, जो कॉमन डेटा है उसको तो हमने टॉप पे लिख दिया हमारा हेडर, ऐसे ही हम नीचे फुटर लिख देंगे, लेकिन जो हमारा अदर पार्ट रहेगा वो आउटलेट के अंदर कॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉल करेंगे। रूट लेआउट के अंदर मटेरियल यूआई का भी कोई यूज नहीं है, तो इसीलिए हम उसको बंद कर देते हैं फाइल को। नाउ स्क्रीन डॉट जेएस में भी नहीं है। अब आते हैं सबसे पहले हम हमारी इंडेक्स फाइल के अंदर, क्योंकि जब हमारा सबसे पहले जब हमारा रिएक्ट प्रोजेक्ट चलता है तो सबसे पहले इंडेक्स डॉट जेएस कॉल होती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे चलते हैं टॉप पे। हम सबसे पहले ब्राउजर राउटर सेट किया, क्योंकि जो हमारे को राउटिंग सेट करनी होती है वो सेट कर दिया हमने। देन उसके बाद हमारी app.js के अंदर हम जिस तरीके से नॉर्मल काम करते हैं राउट के लिए वो कर दिया, जिसकी बात हमने अभी की। नाउ अब बात करते हैं कि हमें हमारी मटेरियल यूआई को किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से हम उसकी थीम निकालेंगे और सबसे पहले थीम को सेट करेंगे। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी थीम सेट करनी होती है, ताकि उस कॉमन थीम को हम चीज़ों को अपने जो हमारे प्रोजेक्ट है उसको एंड तक यूज़ कर सकें। उसके लिए क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, एक थीम प्रोवाइडर होता है और एक होता है हमारे पास क्रिएट थीम। ठीक, थीम प्रोवाइडर क्या करता है, हमें फ्रॉम @mui_material आपको क्या मिलेगा, साइट के ऊपर इतना ही URL मिलेगा। तो आगे लेकिन आपको क्या लगाना है, यहाँ पे स्लैश स्टाइल्स लिखना है। ये जो दोनों डेटा है हमारा स्लैश स्टाइल से निकलता है, अगर आप इसको यहाँ तक भी लिख दोगे ना तो भी चलेगा ये, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, तो हमने क्या किया, @mui_material/style लिख दिया स्टाइल्स। ठीक, इसमें से हमने क्या निकाला, थीम प्रोवाइडर निकाला और क्रिएट थीम निकाल लिया। ठीक, क्यों, थीम प्रोवाइडर हमें क्या देता है कि पूरी साइट पे हमारी जितनी भी पूरी साइट होगी उसको हमको रैप करना होगा थीम प्रोवाइडर से, ताकि मटेरियल यूआई पूरी साइट के ऊपर अप्लाई हो सके। तो क्या किया हमने, थीम प्रोवाइडर ये लिख दिया। ठीक, नाउ अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमें थीम को कॉल करना होता है। ठीक, तो अगर हमने क्या किया, यहाँ पे क्रिएट थीम लिया, कौन थीम इक्वल टू क्रिएट थीम, ये जो था ये थीम लिया और ब्रैकेट लगा के यहाँ पे हमने इसको अगर इसी तरीके से छोड़ देंगे ना यहाँ तक, तो हमारी डिफॉल्ट चीज कॉल हो जाएगी और इस थीम को हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉल कर लेंगे इस थीम के अंदर। तो ये हमारा डिफॉल्ट MUI सेटअप हो जाएगा, मटेरियल UI सेट हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, अगर हम चलते हैं हमारी साइट के ऊपर, यहाँ पे आए और डिफॉल्ट थीम कॉन्फ़िगरेशन में जाए, इसके अगर प्लेट्स के अंदर देखें, ठीक, तो हमने क्या देखा था कि जो प्राइमरी हमारी कलर की थी प्लेट्स, इसको एक बार बंद कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या था, हमारा प्राइमरी प्लेट थी जिसमें क्या था, मेन जो था उसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, कलर #1976D2 कुछ स्काई ब्लू कलर का आ रहा है। ठीक, इसमें था 4 2 A 5 7 5 F 5
और डार्क में ये है, कौन सा कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट के अंदर ये कलर है, अगर हमें इनको चेंज करना है तो हम कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए हमें जाना होगा हमारी फाइल्स के अंदर। चलते हैं वापस फाइल में, यहाँ पे आएंगे, यहाँ क्या करेंगे, क्रिएट थीम के अंदर सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है, जिस तरीके से हम बनाते हैं नॉर्मल, उसके अंदर सबसे पहले के लिए प्लेट लिया। प्लेट कैसे, जैसा हमारा हमारे इस थीम के कॉन्फ़िगरेशन में दिया हुआ था, सबसे पहले प्लेट थी तो प्लेट लिया, अगर ब्रेक पॉइंट होता तो ब्रेक पॉइंट को लेते, ठीक। तो जो इसकी सीरीज है हमको वही रखनी है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, अगर किसी भी चीज को मॉडिफाइड करना है तो उसको उसी सीरीज है तो प्लेट लिख देंगे। देन हमारे पास हमको क्या करना है, प्राइमरी कलर को चेंज करना है तो देन प्राइमरी लेंगे, देखो प्राइमरी आ रहा है, सेकेंडरी में चेंज करना हो तो सेकेंडरी, और मेन है तो मेन लिखेंगे उसके बाद, ठीक है। तो मतलब ऑब्जेक्ट का ही जो वे होता है वो हमें पूरा यहाँ पे बना के रखना है, ठीक। कैसे, सबसे पहले प्लेट लिया, फिर उसके अंदर प्राइमरी लिया, देन मेन लिया, और मेन के कलर को हमने क्या चेंज कर दिया, अब ये कर दिया हमारा, ठीक, ये हमारे मेन के कलर को चेंज कर दिया, ये हमने डार्क का कलर लिख दिया, और ये लाइट ले लिया हमने एक, और एक कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट ले लिया हमने, ठीक। और फिर एक ले लिया टैप टॉप मेन्यू टेक्स्ट ले लिया, इसको ये हटाएंगे, ये की होती है और ये होती है वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे डबल कोट के अंदर नहीं आती है, सिंगल कोट के अंदर रहती है, ठीक, टॉप मेन्यू टेक्स्ट। नाउ अब क्या करते हैं हम, कि जिस भी जगह हमें इसको गेट करना है, ठीक है, तो क्या हुआ, थीम प्रोवाइडर क्या करता है, जैसा हमारा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर होता है, और अब ये हर जगह अप्लाई हो गया थीम प्रोवाइडर, ठीक है, ये हमें हर किसी फाइल के अंदर मिलेगा, बस इसको गेट किस तरीके से करेंगे, जैसे कि हम कॉन्टेक्स्ट को गेट करते थे उसी तरीके से। कैसे, चलते हैं हमारी फाइल के अंदर, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने काम का करना है, हमारे हेडर के अंदर काम करना है, तो हमारे हेडर के अंदर आते हैं यहाँ पे, और यहाँ क्या करते हैं, यूज थीम निकालते हैं एट द रेट एम यू आई मेटीरियल स्लैश टाइल्स के अंदर से, इसमें क्या हो गया, यूज थीम निकाल लिया हमने, ठीक, जैसे कि हम कॉन्टेक्स्ट निकालते थे रिएक्ट से यूज कॉन्टेक्स्ट, तो हाँ वैसे ही हमने क्या कर दिया, यूज थीम निकाल लिया यहाँ पे मेटेरियल यूआई से। अब क्या किया, मेटेरियल यूआई से जैसे हम, अब ये चीज भी क्या होती है, जो एच ओ कॉम्पोनेंट की मेन जो फंक्शन होता है उसी के अंदर कॉल होंगे, ये चाइल्ड जो फंक्शन होते हैं उनमें कॉल नहीं होगा, ठीक। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा यूज थीम लिखा और थीम ले लिया। अगर इसको कंसोल लॉक कराते हैं, एक बार इसको नीचे चीज को छोड़ दीजिएगा, क्या चीज है इसकी बात करेंगे, तो अगर हमने इसको अब यहाँ पे कंसोल लॉक कराया और हमारी साइट पे चले, चलते हैं यहाँ पे साइट पे और इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, कंसोल में आते हैं, तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, ये देखो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक, जैसे ही हमको प्रिंट कराया, यहाँ देखो इसका ब्रेक पॉइंट है, कॉम्पोनेंट्स है, डायरेक्शन है, प्लेट्स है और अदर चीजें हैं जो भी हमारी डिफॉल्ट थीम के अंदर थी, यहाँ पे जो भी हमारा था, सारे के सारे जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट के वैल्यूज थी, कीज थी, वो सारी आ गई यहाँ पे। नाउ हमने अभी चेंज क्या किया प्लेट के अंदर, तो हम चलते हैं प्लेट के अंदर, यहाँ पे आते हैं, और प्लेट में भी कहाँ पे चेंज किया, प्राइमरी में, तो प्लेट में प्राइमरी का है, यहाँ पे इसमें अंदर आते हैं। अब देखो ये कॉन्ट्रास्ट टेक्स की वैल्यू चेंज हो गई, जो हमने लिखी 1919, हमारी थीम डार्क की वैल्यू चेंज हो गई, हमारे लाइट की वैल्यू चेंज हो गई, हमारे मेन की वैल्यू चेंज हो गई, और जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया वो यहाँ पे दिखने लग गया हमें, टॉप मेन्यू टेक्स्ट वाइट कलर, ठीक। तो इस तरीके से हम थीम के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं मटेरियल यूआई में, और मटेरियल यूआई की जो हमारी थीम होती है उसको कॉल करते हैं। तो ये क्या है, बेसिक है, और ये तरीका सही है, थीम को हम पहले ही मॉडिफाइड करके उसका कंटेंट चेंज कर लें या टेक्स्ट चेंज कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी हमारे कंपोनेंट्स होंगे या पेजेस होंगे उसके ऊपर हम सेम चीज़ों को यूज़ कर सकें और एक ही जगह से उसको मॉडिफाई कर सकेंगे, कहाँ से, हमारी इंडेक्स फाइल से जहाँ पे हमें उसको ऐड किया है, इंडेक्स फाइल, ये अभी हमारी हेडर जेएस में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, यहाँ पे आ गई, तो हेडर में आ गए, तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ है। नाउ अब क्या करते हैं, आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि जो मटेरियल यूआई है उसका यूज हम कैसे करते हैं, उस पर हम थीमिंग को कैसे ऐड करते हैं, तब हम बात करेंगे इन चीजों की जो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे मटेरियल यूआई से रिलेटेड। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।